वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चूंकि ये तालीमी इदारे हैं जहाँ पे इन्होंने पनाह ली हुई है, वहाँ पर तालीमी इदारों के अंदर तालीम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ मुझे पीछे बच्चों की काफ़ी तादाद नज़र आ रही है और ये एक एनजीओ है जो कि सिलसिले को जारी रखे हुए है। कब से जारी रखे हुए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, तमाम चीज़ें इनसे जानेंगे। मुंतज़िर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कितने अरसे से आपने शुरू किया? 11 दिन तो इनको हुए हैं यहाँ पे आए। 8-10 दिन हमें भी हो गए यहाँ पे इनको पढ़ाए हुए। हम भी इनको तकरीबन इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सिंधी सब की तालीम दे रहे हैं हम लोग। तकरीबन हमारे पास इस टाइम 110 बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है। जाहिर सी बात है ये बच्चे डिफरेंट क्लासेस में अगर पढ़ते थे वहाँ पर तो डिफरेंट क्लासेस के होंगे। जी, बिल्कुल। तो फिर इनको एक साथ बिठाकर जिस तरीके से एजुकेट किया जा रहा है, एक तो पहले ये जज्बा कहाँ से आया, कौन कौन लोग हैं जो आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ बच्चों की तरफ से कैसा फीडबैक मिल रहा है? सपोर्ट तो हम अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं मैम। बाकी ये बच्चों की बच्चे भी तकरीबन हमारे पास स्टैंडर्ड 1 से लेकर 9 तक के बच्चे हैं। इनसे जो बातचीत हुई है, ये बच्चे पहले भी पढ़ते थे? जी जी, ये जहाँ ये नौशेरा फिरोज के बच्चे हैं ये पहले भी पढ़ते थे वहाँ गाँव में। तो सैलाब की वजह से इनके गांव वगैरह सारे तबाह हो गए, घर वर तबाह हो गए, तो इनकी पढ़ाई भी सफ़र हो गई। हमने सोचा हम इनको तालीम दें। गूज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन असल बेसिकली हमारी जो एनजीओ है वो तालीम बेस एनजीओ है। हम एजुकेशन दे रहे हैं कराची में। तो जब ये वहाँ से सैलाब मुतासरी जाए तो हमने सोचा हम इनको तालीम प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें। उसके लिए आप इनको बुक्स दे रहे हैं, कॉपीज दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं? सारी चीज़ें। कितने घंटे तक यहाँ पे पढ़ाई होती है? तकरीबन हमारे 4 घंटे यहाँ पढ़ाई हो रही है और हम इनको बुक्स, पेंसिल सारी चीज़ें हम अवेलेबल। और आपके पास कितने टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल? तकरीबन 8 टीचर अवेलेबल हैं इस टाइम यहीं पर इसी कैंपस में, इस पट्टी में, क्योंकि बहुत सारे कैंपस हैं। आगे भी 2 स्कूल हैं लेकिन अब हम वॉलंटियर्स कम होने की वजह से हम वहाँ शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वॉलंटियर्स हम पूरा करें और वहाँ 2 स्कूल और हैं वहाँ पे भी हम तालीम नशोनुमा के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रॉमा फेस करके आए हैं। जाहिर सी बात है जिनके अपने घर बार होंगे, अपने घर से तैयार होकर स्कूल जाते होंगे, जिनके घर में खाना वाफिर मकदार में होता होगा, आज जब वो दूसरों के आश्रय पे आ जाते हैं तो एक जो जहनी कैफियत होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। हम इनकी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको इस जो ट्रेजिडी इनके साथ जो हादसा हुआ हम उनसे मतलब इसको निकाल लें, निकाल के हम इनको एजुकेशन दें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं तकरीबन 8-10 दिन से तो यहाँ मैं खुद इन बैठे हुए यहाँ इनको तालीम दे रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा हमें नज़र नहीं आ रहा है जो इनकी मदद कर सके। हाँ प्राइवेट एनजीओ जो इनको खाना ला रहे हैं, प्राइवेट एनजीओ ला रही हैं, प्राइवेट जो सही खाने का यहाँ पे क्या सिस्टम है, या क्या यहाँ पर जो है वो राशन की मद में आ रहा है या पका पकाया? पका पकाया खाना आ रहा है मैम यहाँ पे, उसके लिए तो वेट करना पड़ता है। जी जी, इनको तकरीबन वेट करना पड़ता है पका पका। और ये खुद अपनी मदद आप बीते यहाँ नीचे चूल्हा जला के ये लोग चाय वाय बना लेते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा बंदा आए और इनकी कोई ये मुश्किल दूर। अभी यहाँ पे लाइट भी नहीं है इनके पास, अंदर लाइट का भी बड़ा इशू है। बच्चों को हाथ यहाँ पढ़ाने में हमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है। हम वक्त पे आगे नहीं पढ़ा पढ़ाई में। जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह तेज बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे। सही है, इधर आओ, कोई भी बच्चा बुला ले जरा इसमें से। क्या नाम है बेटा आपका? सकीम मुस्तफी। मुस्तफी, आप पढ़ते थे पहले? जी। कौन सी क्लास में? 4 में था, अभी 5 में बैठने वाला। सही है, तो आप 4 में थे, अचानक यहाँ आ गए, क्या हुआ था? हमारे गाँव में सैलाब आ गया था। तो आपने क्या देखा अपनी आँखों से, क्या पानी खड़ा हुआ था, क्या हुआ, आपका घर डूब गया उसमें? जी, बड़े है ना, बड़ों को पानी इतना आ रहा था और हमें यहाँ आना पड़ेगा। तो आपके तो पानी, फिर आप तो डूब गए होगे उसमें। जी, तो फिर आपके जो अम्मी अब्बू थे उन्होंने कैसे निकाला आपको बाहर? वो पेटी है ना उसमें डाल। तो फिर अम्मी अब्बू तो कहीं रह गए होंगे, पेटी तो पानी जो है वो पेटी भाग के पता नहीं कहाँ से कहाँ। नहीं, वो रस्सी है ना, अब वो आस्ते जाके रस्सी को वहाँ छींक के जाते। पहले कभी देखा था ऐसा हुआ? नहीं। क्या आपके छोटे से दिमाग ने क्या बताया? पहले तो बारिश का इतना पानी नहीं आया था, ये ब्रेंजे भजी है या फिर शाक से पानी आया, इतना बारिश का तो नहीं है। कैसा घर था? अच्छा था, सही। कितने कमरे थे उसमें? उसमें 2 थे। तो जब आप स्कूल से आते थे अम्मी आपके लिए क्या बनाती थी? अम्मी सालन वगैरह, रोटी वगैरह। और अबू क्या करते थे? अबू काम पे जाते। क्या काम करते थे? घर बनाते थे। बस अल्लाह मियां से जल्दी से दुआ करो, अल्लाह मियां पापा को इतनी ताकत दे कि वो जल्दी से आपका घर भी बना ले। अबू मेरा दूसरों का घर बनाते थे, अल्लाह ताला दुआ करे कि हमारा भी घर बन जाए। चलो ठीक है, और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा अब्दुल्ला, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में कोई सेंटेंस बताओ या कोई चीज बताओ इंग्लिश की, या इंग्लिश में जो आपकी जो आपका जो सिलेबस है उसमें कोई चैप्टर आपने पढ़ा हो तो वो बताओ। हमने पढ़ा है कि
दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना, हाँ, helping others। तो अब आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम ये कहेंगे प्लीज हेल्प मी। और अभी यहाँ पे पढ़ाई आपको यहाँ पे शुरू दोबारा से हो गई है, मजा आ रहा है, सही पढ़ाई मिल रही है या आप वापस जाना चाहते हो? नहीं नहीं, यहाँ सही है, लेकिन अपना गाँव होता है। कितने बहन भाई हो आप? हम चार भाई और दो बहन। सब सही है, महफूज है?